सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग के अंदर। मैं देव पॉल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं एक नई जगह। और नई जगह बोलने की जगह दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हिंगोली शहर है दोस्तों, उसका मैं आपको सफ़र कराऊँगा। और पूरा हिंगोली में जितने भी देखने लायक जगह है, मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और आपको सारा चीज़ कहाँ कहाँ पे है हिंगोली के अंदर, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर से बता दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में दोस्तों। आज पूरा हिंगोली शहर का जानकारी और साथ में मेन मेन प्लेस जहाँ जहाँ पे है, वो सब चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के ऊपर अगर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि आपको नई अपडेट तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम हिंगोली। तो चलिए अभी पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक मेन प्लेस जो कि हिंगोली में सबसे प्रचलित है दोस्तों। ये रहा खटकाई हनुमान मंदिर, जो कि आपने अभी देखा। और दोस्तों, ये जो है स्टार्टिंग है न्यू ब्रिज, जो कि हिंगोली के अंदर अभी नया स्थित एक बना है दोस्तों। और ये बिल्कुल हिंगोली की आज आन बान शान बन चुका है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पुल का इंतज़ार कर रहे थे और अभी बना है तो इतना खूबसूरत है दोस्तों। रात में इस पुल के ऊपर बहुत ही शानदार लाइटिंग चमकती है दोस्तों। इसके अंदर बहुत ही अच्छी एक डिज़ाइनिंग बनाई है, जो कि पूरे रात में जिस तरह से हावड़ा ब्रिज दिखता है दोस्तों, जिस तरह से मुंबई का सीलिंग ब्रिज दिखता है जिसमें लाइटिंग के साथ में एकदम सजाया हुआ है, सेम उसी तरह से इसको भी सजाया हुआ है। इसको भी लाइटिंग हर तरफ लगाई हुई है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और ऊपर से सारा नज़ारा, नीचे से रेलवे ट्रैक जाती है दोस्तों, और ऊपर से सारा हिंगोली शहर आपको दिखेगा। तो दोस्तों, अभी एक हिंगोली के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, तो देख सकते हैं मैं और हमारे दोस्त मिलकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे हिंगोली का मेन ब्रिज, अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों हिंगोली का आगे का, जो कि हमारे हिंगोली में स्थित नगर परिषद और बहुत ही खूबसूरत नई बिल्डिंग बन रही दोस्तों हिंगोली की नगर परिषद की। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों। ये पूरा नगर परिषद का एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा, जो कि हिंगोली शहर का नगर परिषद है दोस्तों, जिसके साइड में बिल्कुल एक नया बिल्डिंग बन रहा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों, सारा चीज़ आज हिंगोली में नया नया हो रहा है दोस्तों। इस साइड में अभी ये शिवाजी कॉलेज रोड जाता है, और साथ में आपको दोस्तों बिल्कुल उसके पास में ही कलेक्टर ऑफिस रोड है। और उसके जस्ट दोस्तों आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद आपको एसपी ऑफिस मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो रास्ता है ये हिंगोली के अंदर जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो दिख रहा है आपको, वो रामकृष्ण होटल है, एनटीसी है, एनटीसी का एरिया दोस्तों। और साथ में आगे जाकर आपको अग्रसेन चौक मिलेगा, ये देखिए दोस्तों अग्रसेन चौक, और औंढा नागनाथ रोड जो कि परभनी जाता है, औरंगाबाद जाता है, संभाजीनगर जाता है, ठीक है। और दोस्तों, अभी हम जल चल रहे हैं जिस रोड पे, वो रोड रास्ता है दोस्तों डायरेक्टली हिंगोली शहर के अंदर, और गांधी चौक मार्केट की तरफ आपको लेके जाएगा। सामने बस स्टैंड दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं बस स्टैंड इस साइड में रहा रोड के बीचों बीच, देख सकते हैं। और दोस्तों, आगे जाकर आपको गांधी मार्केट मिलेगा, गांधी चौक, इंदिरा गांधी चौक दोस्तों साथ में ही है, देख सकते हैं इंदिरा गांधी चौक। और बिल्कुल उसके पास में ही दोस्तों डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे लाइब्रेरी आपको मिलेगी देखने के लिए, जो कि आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। और दोस्तों, सामने बिल्कुल आपको गांधी मार्केट का रास्ता है, और पूरा गांधी मार्केट का एरिया है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा गांधी मार्केट रोड है, और बिल्कुल थोड़ा सा दूर चलने के बाद आपको मिलेगा गांधी चौक, जो कि संविधान कॉर्नर के बिल्कुल नज़दीक में है। और दोस्तों, गांधी मार्केट हिंगोली का सबसे सुंदर मार्केट और सबसे भीड़ रहता है दोस्तों उस जगह पर। और यहाँ पे दोस्तों, अगर हिंगोली में अगर आपको मार्केट कहीं पे कुछ खरीदना है दोस्तों, साइड में संविधान कॉर्नर है, बिल्कुल गांधी पुतले के सामने ही है, देख सकते हैं गांधी पुतला और सामने संविधान कॉर्नर दोस्तों। ये गांधी चौक मेन मार्केट है, जो कि आपको हर तरफ होटल्स, कपड़े के शॉप्स, अलग अलग दोस्तों ग्रॉसरी वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, और शॉपिंग्स मॉल है ना, वो बड़े बड़े होटल्स, ये देखिए दोस्तों लाइफस्टाइल मॉल है,
बिल्कुल कपड़े का, जिसको जो भी कपड़ा खरीदना है दोस्तों यहाँ से खरीदते हैं। दोस्तों सामने होटल लॉजिंग है तो दोस्तों, और बिल्कुल अभी हम जा रहे हैं आगे, तो आगे जाकर आपको दिखाई देंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों चौक है, और डॉक्टर अनुभव साठे चौक, बिल्कुल दोनों भी सामने देख सकते हैं, सामने है जो कि अनुभव साठे चौक है और यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक। तो दोस्तों ये हमारे हिंगोली का मेन मार्केट था, और जहाँ पे आप सारा चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं फैमिली को वगैरह सारा इंटरटेन। दोस्तों अभी हम जाएंगे बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की तरफ, और ये दोस्तों रास्ता जो दिख रहा है आपको, ये आपको रेलवे स्टेशन की ओर लेके जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए जाने के लिए आपको उस साइड से जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये जो रास्ता है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए जाता है। और दोस्तों ये मेन मार्केट है, यहाँ पे मोबाइल्स वगैरह बड़े बड़े शॉप्स यहाँ पे है, ठीक है। दोस्तों सामने जाकर आपको HP पेट्रोल पंप मिलेगा, बिल्कुल देख सकते हैं कॉर्नर पे, और उसके जस्ट साइड से अगर आप टर्न लेंगे दोस्तों, तो आगे जाकर आपको सामने ही बिल्कुल एक नई जो बिल्डिंग बन रही है दोस्तों, मस्जिद बन रही है, न्यू मस्जिद बिल्डिंग बिल्ड हो रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नई बिल्डिंग बन रही है मस्जिद की हमारे हिंगोली में। तो उसके बाद जस्ट साइड में दोस्तों, जैसे ही आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे आपके साइड से, तो आपको अकोला रोड मिल जाएगा, जो कि ओल्ड रोड है, पुराना रोड है, और उसके रास्ते पे बिल्कुल आपको देवड़ा पीपल्स बैंक मिल जाएगी देखने को। और दोस्तों जैसे ही हम सीधे सीधे चलते जाएंगे, जल्दी सीधे चलने के बाद दोस्तों सामने आपको रेस्ट हाउस मिलेगा, और उसके नज़दीक में SBI बैंक मिलेगी आपको दोस्तों, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, और उसके साथ में बिल्कुल नज़दीक में दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, चौक है, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरह से। दोस्तों सामने जैसे ही हम चलते जाएंगे तो रेलवे ब्रिज मिलेगा, जो कि बिल्कुल अकोला रोड पे ही है, और रेलवे स्टेशन उस साइड, हाँ इस साइड आपको अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप नहीं जा सकते दोस्तों, बट घूम के आप जा सकते हैं नीचे से, जिस तरह से मैंने पहले रास्ता बताया। और दोस्तों अभी हम जैसे ही साथ में चलेंगे, तो आपको आगे जाकर बहुत ही खूबसूरत हिंगोली का जो कि आदर्श कॉलेज है दोस्तों, जब से मतलब जितना भी स्टूडेंट्स रहता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जहाँ पे सीखना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, वो है आदर्श कॉलेज। तो दोस्तों ये आदर्श कॉलेज का एरिया है, और ये उनका रास्ता है, और बिल्कुल जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आपको आदर्श कॉलेज का एरिया मिलेगा देखने को। और ये सामने रहा आदर्श कॉलेज, और दोस्तों ये है आदर्श कॉलेज का एरिया, ठीक है, और देख सकते हैं आदर्श कॉलेज कितना अच्छा, और सामने बिल्कुल स्टूडेंट्स वगैरह सभी लोग आपको दिख रहे होंगे। तो ये आदर्श कॉलेज का एरिया दोस्तों हिंगोली में, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों हमने आदर्श कॉलेज आपको दिखा लिया, अभी हम आपको लेके जाएंगे आगे की साइड में, जहाँ पे हम आपको ओल्ड अकोला बाईपास, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, अभी हम फिर से वहाँ पे ही जाएंगे, और उस रास्ते पे जाने के बाद आपको एक चौक मिलेगा ओल्ड अकोला रोड, जो बाईपास रोड है दोस्तों, जिसको अकोला बाईपास के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेन हाईवे और अकोला रोड, जिसके ऊपर से हम अभी जा रहे हैं, मैं हमारे दोस्त, आपको आगे का परिसर दिखाने के लिए। दोस्तों ये अकोला बाईपास का पूरा व्यू है, यहाँ पे बहुत ही साइलेंट एरिया दोस्तों, और ज़्यादा यहाँ पे ना भीड़ होती है, और ना ज़्यादा मतलब आवाज़ें वगैरह, ठीक है। अभी हम आगे जाकर मिलेंगे रामकृष्णा हॉल से, जो कि एक टाउन में है, और बहुत ही अच्छे उसके आजू बाजू में दोस्तों नई बिल्डिंग्स बन रही है, जहाँ पे आप ख़रीदना चाहो देख सकते हैं, ये नया टाउन बन रहा है। और सामने बिल्कुल संस्कार टॉकीज, जो कि सिनेमा थिएटर है, संस्कार जिसका नाम है, संस्कार सिनेमा टॉकीज दोस्तों। अभी यहाँ पे फ़िलहाल में OMG 2, ओ माई गॉड 2, और साथ में गद्दर 2 दोस्तों, दोनों फिल्में लगी है ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आकर देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे गए दोस्तों सिनेमा हॉल से आगे जाने के बाद, फिर हमें मिला एक आपको सरप्राइज़ देने वाला, जो कि हमारे हिंगोली का प्रसिद्ध डेंटल हॉस्पिटल और डेंटल कॉलेज, जो कि दोस्तों देख सकते हैं हिंगोली से जस्ट 2 किलोमीटर से ज़्यादा 3 किलोमीटर दोस्तों दूरी के अंदर आपको आएगा, जो कि हाईवे पे है, नेशनल हाईवे 161,
और दोस्तों इसके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं दोस्तों सीखने के लिए, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट आते हैं। दोस्तों ये रहा नेशनल हाईवे 161 इंदौर हाईवे, दोस्तों ये हैदराबाद से इंदौर जाता है, ठीक है, और उसी के बीच में हिंगोली होकर जाता है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और मिलेंगे आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।